नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी हिस्ट्री मेंस ऑप्शनल एग्जाम ऑफ 2021। द क्वेश्चन इज डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख कम्युनिटी फ्रॉम निर्गुण भक्ति सेक्शन इनटू ए पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। तो इसमें हमें करना क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो सिख कम्युनिटी थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके अंदर चेंज कैसे आया निर्गुण भक्ति से पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो निर्गुण भक्ति मतलब गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर, तो उन्होंने निर्गुण भक्ति जो शुरू की थी, तो भक्ति मतलब सेंट्स, संत, तो वो सेंट्स का जो कंसेप्ट है वो लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम तक जाकर एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया। जो संत थे वो सोल्जर सेंट्स कैसे कन्वर्ट हो गए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, एज यू नो दैट देयर वर 10 गुरुज थे सिख कम्युनिटी में, सिखिज्म में देयर वर 10 गुरु। द फर्स्ट गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर, फॉलोड बाय गुरु, सेकेंड गुरु गुरु अंगद देव जी, थर्ड वॉज गुरु अमरदास जी, फॉलोड बाय गुरु रामदास जी। यहां तक आते आते तो इनके सिख और मुस्लिम के जो रिलेशंस थे नॉर्मल रिलेशंस थे। अगर हम बाबर की बात करें, बाबर ने जरूर नानक जी को इम्प्रिजनमेंट दिया था, जेल में डाला था। अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी के टाइम तक इनके रिलेशंस अच्छे थे, मुगल्स के और सिखों के जो रिलेशंस थे कॉर्डियल रिलेशंस थे, और अंगद देव जी ने हुमायूं को ब्लेस्ड भी किया था। बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द फिफ्थ गुरु दैट वॉज द गुरु अर्जन देव जी, एक टर्निंग प्वाइंट आ गया था जहां से सिख और मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे वो बिटर रिलेशंस होने लगे थे, और गुरु हरगोविंद साहिब जी जो संत थे अर्जन देव जी के, ही बिकम द डेडली अगेंस्ट द मुगल्स। सेवंथ एंड एट्थ गुरु वर गुरु हर राय एंड गुरु हरकिशन जी। इनके टाइम में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एंड नाइन्थ वॉज गुरु तेग बहादुर जी, जिनका कन्फ्लिक्शन औरंगजेब के साथ हुआ। एंड लास्ट वॉज द गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके टाइम में खालसा बना, और जो निर्गुण भक्ति शुरू हुई थी गुरु नानक देव जी के टाइम से, जो संत थे वो अल्टीमेटली सोल्जर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को हमें अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसको प्रॉपरली जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द मुगल एट्रोसिटीज। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि गुरु अर्जन देव जी जो फिफ्थ गुरु थे उनके टाइम से एक मुगल्स ने इनके ऊपर एट्रोसिटीज और अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, तो जिस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ निर्गुण भक्ति से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हमने देखा कि जहांगीर का जो पीरियड था उसमें जाकर ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो गुरु नानक जी जो थे वो फॉलोवर थे निर्गुण भक्ति के, उनका मतलब ये था निर्गुण भक्ति का कि गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस एंड ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। गॉड जब हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, तो उनको एक छोटी मूर्ति में उनकी इमेज को नहीं बांधा जा सकता। दैट्स वाई ही वॉज अगेंस्ट द भक्ति, अगेंस्ट दिस मूर्ति पूजा, एंड दैट वॉज द निर्गुण भक्ति ऑफ दिस। और इस तरह के जो, एंड गुरु नानक देव वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। उस टाइम जो रिलीजन को लेकर सोशल सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स, इविल्स, अब्यूजेस आ गए थे, गुरु नानक देव जी उनको खत्म करना चाहते थे। दैट्स वाई ही स्टार्टेड दिस निर्गुण भक्ति का जो उन्होंने कंसेप्ट लाए हैं वो ये था। अब उसमें, और ये कंसेप्ट सिर्फ सिखिज्म में नहीं हुआ, ये कंसेप्ट हमारा कहीं ना कहीं जैनिज्म में भी था, बुद्धिज्म में भी था, एंशियंट मेडिवल टाइम में भी था, और मॉडर्न में और आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को देखते हैं। कि जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भावता, तो जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी भी फॉर्म में आकर अधर्म और धर्म के बीच में जो डिसबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करते हैं और धर्म की जीत होती है। तो सेकंड गुरु जो थे गुरु अंगद देव जी थे, जिन्होंने मैंने बताया कि हुमायूं को ब्लेस्ड भी किया था। थर्ड गुरु वॉज अमरदास जी, और जिन्होंने उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स थी जैसे सोसाइटी में सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था, तो इसको उन्होंने प्रोहिबिट किया या डिनाउंस किया था। तो जो गुरु अमरदास जी के फेवर में थे कि हाँ सती प्रथा, पर्दा प्रथा खत्म होनी चाहिए, उनका एक अलग सेक्शन बनने लग गया, और यही सेक्शन बाद में जाके सिखिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो इस चीज के अगेंस्ट आए वो उनका सेक्शन अलग बन गया। तो इस टाइम में हम बोल सकते हैं कि गुरु अमरदास जी के टाइम में हिंदूज और सिख के बीच में जो डिफरेंस थे वो ज्यादा
स्ट्रांग हो गए थे, डिफरेंसेस क्लियर होने लग गए थे बिटवीन हिंदूज एंड द सिख, क्योंकि सिख कम्युनिटी है ये अल्टीमेटली हिंदूज कम्युनिटीज में से ही एमर्ज हुई है। गुरु नानक देव जी वॉज ए हिंदू, उनके फादर का नाम कालू मेहता और मदर का नाम तृप्ता, तो वो हिंदू थे। तो लेकिन बाद में जाकर जब इसमें हम देखते हैं गुरु अमरदास जी के टाइम में पर्टिकुलरली जाकर उसमें हिंदूज और सिख के बीच में अलग अलग कम्युनिटी बनने स्टार्ट हो जाती है। गुरु रामदास जी ने ब्लेस्ड भी किया था अकबर को, तो अभी तक हमने देखा कि उनके रिलेशंस जो थे मुस्लिम से कहीं ना कहीं गुड रिलेशंस थे। लेकिन गुरु अर्जन देव जी के टाइम में जाकर जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि गुरु अर्जन देव ब्लेस्ड खुसरव। खुसरव वॉज द सन ऑफ जहांगीर एंड खुसरव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर एंड द किंग जहांगीर, तो दैट्स व्हाई जहांगीर वॉज अगेंस्ट दिस खुसरव एंड दिस खुसरव गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु अर्जन देव जी। तो इस बात से जहांगीर जो था वो नाराज था कि जब खुसरव ने मेरे खिलाफ मतलब जहांगीर के खिलाफ जब रिवोल्ट किया है और उस रिवोल्यूशनरी को जो गुरु अर्जन देव है उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन गुरु का काम तो सिर्फ ब्लेसिंग्स देना होता है, इधर द गुड पर्सन गोज टू देम और द बैड पर्सन गोज टू देम, दैट डजंट मैटर टू द गुरु, बिकॉज द जॉब ऑफ द गुरु इज टू ब्लेस whoever come to them। अगर अच्छा आदमी जाएगा तो उसकी अच्छाई बढ़ जाएंगी और बुरा आदमी अगर जाएगा तो उसकी बुराइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुरु का काम होता है सोसाइटी के अंदर पीस, कॉर्डियल रिलेशंस, हार्मनी, भाईचारा, खुशी, हैप्पीनेस, इसको बढ़ाना और एस्टेब्लिश करना होता है। तो इस वजह से जहांगीर और गुरु अर्जन देव जी के जो रिलेशंस थे वो बिटर हो गए थे। फिर गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने ये बोला कि जो आपने जो आदि ग्रंथ कंपाइल्ड हुआ है आपके टाइम में उसके अंदर डिफरेंट हाइम्स हैं और डिफरेंट रिलीजन के पीपल्स ने वो लिखी हैं, सिर्फ सिख समुदाय की हाइम्स नहीं है उसके अंदर। तो जहांगीर ने बोला कि आप इसमें से कुछ हाइम्स को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, एंड गुरु ने उसको रिफ्यूज कर दिया। गुरु ने बोला कि इसमें जो भी हाइम्स लिखी हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए हैं, लोगों के भले के लिए लिखी हैं, तो उसमें से मैं उसमें से कुछ भी कम नहीं कर सकता हूं। तो जहांगीर ने उनके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगा दी। अगेन गुरु रिफ्यूज टू पे द 2 लाख पेनल्टी बिकॉज ही सेड दैट व्हेन आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम दैट व्हाई शुड आई गो फॉर द पेनल्टी, तो मैं क्यों पेनल्टी दूंगा जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई द रिलेशन बिटवीन गुरु अर्जन देव जी एंड मुगल्स के बीच में कन्विक्शंस स्टार्ट हो गए थे। एंड गुरु अर्जन देव वॉज एग्जीक्यूटेड अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट। नेक्स्ट गुरु वॉज गुरु हरगोविंद साहिब जी हु वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव जी एंड ही वॉज डेडली अगेंस्ट द मुगल्स। ये मुगल्स के बहुत अगेंस्ट थे और इन्होंने जो पॉलिसी इनकी ये थी कि आयरन कट्स द आयरन, लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है, तो मुगल्स को मुगल की भाषा में ही जब हम जवाब देंगे तभी मुगलों को समझ में आएगा, अदरवाइज उससे पहले वो समझ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, इन्होंने कुछ चीजें स्टार्ट कर दी, जैसे तलवारें रखनी शुरू की, अम्ब्रेला रखना शुरू किया। अम्ब्रेला मतलब जैसे मुगल रूलर्स के ऊपर छत्र रखा जाता था जब वो जाते थे पूरी फौज के साथ चलते थे, तो उन्होंने इस तरह की रॉयल अपने कम्युनिटी के अंदर रॉयल्टी लाने के लिए उन्होंने अम्ब्रेला रखना शुरू किया, छत्र रखना शुरू किया और 2 swords भी उन्होंने रखनी शुरू की जिसको मीरी और पीरी बोला जाता है। तो मीरी पीरी फॉर द गुरु हरगोविंद साहिब जी। तो मीरी जो थी वो मेटलिस्टिक ग्रोथ के लिए तलवार रखी गई और पीरी का मतलब था स्पिरिचुअलिस्टिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हम लोग करेंगे। 7th और 8th गुरु जो थे गुरु हर राय और गुरु हरि कृष्ण, उनके टाइम में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, दैट्स व्हाई उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। 9th गुरु वो गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु तेग बहादुर जी और औरंगजेब के बीच में भी कन्फ्लिक्शंस थे, बैड रिलेशंस थे या बिटर रिलेशंस थे हम बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी को भी औरंगजेब ने बोला कि आप जो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एंड ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड अनफॉर्चुनेटली। तो लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके टाइम में आकर जो सिख कम्युनिटी थी वो एक मिलिट्री ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गई थी जिसको खालसा बोला गया। तो 5th जो लास्ट गुरु थे उसमें हमने आकर देखा कि जो फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे उनके टाइम में जो निर्गुण भक्ति का जो कंसेप्ट था किस तरह से गुरु अर्जन देव जी के टाइम में जाके टर्निंग पॉइंट हुआ, गुरु हरगोविंद साहिब जी के टाइम में जाके टर्निंग पॉइंट रहा, और अल्टीमेटली जो निर्गुण भक्त थे, जो भक्त थे, संत थे, वो बाद में जाकर सोल्जर सेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। क्यों सोल्जर सेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुए? क्योंकि मुगलों ने सिखों को फोर्स किया, उनको मजबूर कर दिया कि वो भक्ति के साथ साथ सोल्जर एक आर्मी और एक फौज भी अपनी बनाएं, क्योंकि वो उनको फोर्सफुल कन्वर्जन और इस तरह की एट्रोसिटीज उनके ऊपर किया करते थे। तो दैट वॉज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स विच वी हैव फुलफिल्ड। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से प्रॉपरली डील कर सकते हैं। एंड जो सब्सक्राइब द चैनल, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सो दैट यू गेट रेगुलर ऑन रेगुलर बेसिस यू कुड गेट द वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।